चलो भाई, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि नाम है, इसमें देखो दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रो आया है आपके इलेक्ट्रॉन वर्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक आया है मैग्नेटिक फील्ड से, और इंडक्शन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहें अपने आप उत्पन्न होना, स्वतः उत्पन्न होना, इंडक्शन का मतलब होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी लूप या कॉइल का चेंज होता है, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब इसका स्टोरी क्या है, सिंपल सिंपल से बात सुनो। अगर करंट कैरिंग कोई वायर ले ले, इससे पहले के चैप्टर में हम लोग लेते थे करंट कैरिंग वायर आई, तो हम लोग जानते थे कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे सर्कुलर होती है, ठीक है, ऐसे होती थी बी की लाइंस। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अगर क्वाइल ले ले, तो क्वाइल में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर हमने सोलेनोइड ले लिया जैसे इस तरह से, ठीक है, तो सोलेनोइड अगर हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, सोलेनोइड सिलेंडर की तरह ही तो दिखता है, इस पे बहुत सारा ऐसे टर्न्स पे कॉइल लपेटा होता है, तो इसमें जब करंट जाता है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं, इस तरह से एक्सिस के अलोंग होती है मेन लाइन, एक सेंटर वाली, इसके अलावा और भी लाइन्स होंगी जैसे इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ड्यू टू ए करेंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो फंडा ये है कि जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है, इलेक्ट्रिक करेंट, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों को ये पता करना है कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। रिवर्स मतलब अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है क्या, ये हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में, रिवर्स। और इसी को जानने की कोशिश की थी माइकल फैराडे ने, जिसके नाम पर इस चैप्टर का पहला लॉ है फैराडेज लॉ। तो उसके लिए आपको पहले हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं तुम लोगों को, उससे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। So I guess the big question we want to explore now is, can we somehow create electric current without using any batteries? Is it possible? Well, let's find out. We have already seen that if you pass a current through a coil, it generates a magnetic field around it, like a bar magnet, which means an electric current can give us magnetic fields. But a curious man named Michael Faraday wondered whether the reverse was possible. Could magnetic fields create electric currents? Because if the answer is yes, then it's huge, because we would have found a new way to create electric current without using any batteries or chemicals, just by using magnetic fields. So Faraday got excited, and he performed a lot of experiments to test this. So you know what? Let's pretend we are Faraday. What kind of experiments would we need to perform to check whether this is true or not? Well, we will require a circuit to have electric current in it. Basically, just a coil with some current sensing device, which can tell us whether there is a current flowing or not. Faraday used a galvanometer, which can tell you whether a current is flowing. It can also tell you, depending on what direction the deflection is, what direction the current is flowing. But you know what? Galvanometers are boring. So let's use a bulb instead. And let's assume that our bulb will glow yellow if current flows in one direction, and it will glow blue if the current flows in the opposite direction. That just makes the whole experiment so much more fun. All right? And no batteries, because we want to check whether we can create electricity or electric current without batteries by using magnetic fields. And for magnetic fields, we will require a magnet.
So let's bring in a magnet, place it close to this coil and see what happens. And we see nothing. There is no glow in the bulb. That means there is no current, but there is a magnetic field because I've kept a bar magnet close to it. This means the magnetic field does not create an electric current. What a disappointment. So let's pack up and go home. Let's throw away that magnet. Wait, I just saw a flash of light. Let's bring back the magnet. Whoa! We saw a flash again. This time it was blue, so the current was in the opposite direction. But we did it. We created electricity without batteries for a split second. But it seems to work only when the magnet is moving, not when it's at rest. And as Faraday, I raise my eyebrows and say, interesting. Now let's play with this even more. What if we keep the magnet at rest and move the coil instead? Do you think we'll create electricity again? Well, your guess is as good as mine. So let's see. And bingo, there we have it. Again, we saw a flash of light when the coil was moving. So this means whether it's the coil or the magnet, one of them have to move, and during the motion, we are getting electricity. Michael Faraday का जो experiment था, वो simple सा उन्होंने experiment किया कि एक bar magnet ले लिया और एक loop ले लिया, ठीक है? अब इस लूप के आगे बार मैग्नेट रखा और लूप में करंट डिटेक्ट करने के लिए इसमें सिंपली एक बल्ब लगा दिया कि भाई करंट आएगा तो पता कैसे चलेगा, तो बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। अब इसके सामने जब बार मैग्नेट इस तरह से रखा गया तो देखा गया कि बार मैग्नेट रखने से इसमें करंट नहीं आता है, लेकिन जब जब बार मैग्नेट मूव करता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो इसका मैग्नेटिक लाइन ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से। अगर बार मैग्नेट नजदीक लाते हैं, ठीक है, या दूर ले जाते हैं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इस बल्ब का ग्लो करना ये बताता है कि अगर बार मैग्नेट रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके मूव करने से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, और वो करंट जो आ रहा है आपका वो भी डायरेक्शन चेंज करता है। जब ये नजदीक आता है तो मान लीजिए करंट क्लॉकवाइज आया, तो जब ये दूर जाएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आता, दोनों ही सूरत में बल्ब तो ऑन हो जाता। तो ये फैराडे का एक डिस्कवरी टाइप का था, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इसके नजदीक आने से या दूर जाने से क्या होता है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोग यही जानते थे ना कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो नहीं आता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर चेंज करे टाइम के साथ तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट फिक्स कर दिया कि चलो मैग्नेट को नहीं चलाएंगे, क्वाइल को ही आगे पीछे करके देखा, तो क्वाइल को भी जब भी आगे पीछे किया तब तब बल्ब ऑन हो जाता था। तो अगेन उससे भी यही पता चला कि कुल मिलाकर बात यह है कि मोशन होना जरूरी है, ठीक है। बाद में फैराडेज ने एक टर्म डिफाइन किया, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक टर्म डिफाइन किया मैग्नेटिक फ्लक्स, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस कॉइल से क्रॉस कर रही हैं, तो जो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है उसको इन्होंने क्वांटिटेटिवली एक नया टर्म दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया होगा ना इस कॉइल का, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फिर उन्होंने फैराडेज लॉ दिया कि जब भी किसी लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में अपने आप एक करंट इंड्यूस होता है, और इस पूरे फेनोमेनन का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो हम लोग को ये जो चैप्टर शुरू करना है उसमें पहला टर्म यही पढ़ना है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसके बाद हम लोग फिर फैराडे का लॉ पढ़ेंगे और समझेंगे कि फैराडे ने जो लॉ दिया था वो कैसे दिया था, और उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वो होता था ई डॉट डी एस, और इसी का इंटीग्रल कहते थे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा यहाँ पर ऐसा एरिया रखा हुआ है, ये छोटा एरिया है ds, तो एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर हो और जिसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये छोटा सा हमने सरफेस लिया और मान लीजिए कि यहाँ मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट ds, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ds, जिसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं b इंटू ds इंटू cos थीटा, ठीक है। तो ये वर्क की तरह है, वर्क में नहीं होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब ये डी फाई जो आया वो ये छोटे से एरिया का आया, ठीक है। अगर एक लार्ज एरिया हो, बड़ा एरिया हो और उसका फ्लक्स निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds। तो ये फ्लक्स का हमारा डेफिनेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds, ठीक है। अब इफ बी अगर पूरे एरिया पे हर जगह सेम है, ठीक है ना, पूरे एरिया पे, बड़े एरिया पे हर जगह बी सेम है, तो बी बाहर आ जाएगा और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन बचेगा। तो इफ बी इज यूनिफॉर्म ओवर द एरिया, जिस एरिया का फ्लक्स निकाल रहे हैं उस पर हर जगह b अगर सेम है, देन फ्लक्स विल बी डिफाइंड एज b बाहर आ गया और ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, या a लिख सकते हैं, ठीक है ना, b डॉट a लिख देते हैं, a का मतलब एरिया वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये तब अप्लाई करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया पर यूनिफॉर्म हो। बी इज इफ बी इज यूनिफॉर्म ओवर द एरिया, पूरे एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा एरिया इस तरह से लिया, ठीक है, और ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेम है, यूनिफॉर्म है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो वैसे केस में फ्लक्स आपका हो जाता है सिंपली बी डॉट ए, ठीक है, और इसे आप चाहें तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए जो है वो डीएस का ही इंटीग्रेशन है, टोटल एरिया है एक तरीके से। बी ए कॉस थीटा में बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ए इसका एरिया हो गया, ठीक है ना, अच्छा, और थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। याद रखेंगे जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका यूनिट क्या होगा देखो, तो यूनिट होगा इसका फ्लक्स क्या क्या होगा देखो, ये होता है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड और एरिया होता है मीटर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बी लिखते हैं, डब्ल्यू बी इज कॉल्ड वेबर। तो आप टेस्ला मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और ज्यादातर जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वेबर लिखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जब भी लेंगे दो वेक्टर्स का तो जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, अब क्रॉस प्रोडक्ट होता तब ये भी वेक्टर होता है। तो स्केलर है, तो स्केलर का मतलब है कि किसी भी एरिया का जब फ्लक्स निकालोगी तो निकालने पर ये फ्लक्स प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, जस्ट लाइक वर्क फाई मे बी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और जीरो। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एरिया वेक्टर रख दिया तो फ्लक्स आएगा ही आएगा। देखो कैसे, अगर मान लीजिए कि ये आपका एरिया वेक्टर है, ये एरिया हॉरिजॉन्टल है, तो एरिया अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, और अगर आपने इस एरिया वेक्टर को ऐसे ऊपर ले लिया और मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे केस में बी होने के बावजूद भी इसका एरिया वेक्टर और बी तो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में जो इसका फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है ना।
तो इस लूप से या इस सर्कुलर एरिया से कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग निकालते हैं उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? फिजिकल मीनिंग का क्या मतलब, निकाल करके मिलता क्या है उससे? फिजिकल मीनिंग ऑफ फाइट, मैग्नेटिक फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि आप ये पता करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पार हो रही हैं। जैसे ये अगर एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं इसको, तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो फ्लक्स ज्यादा होगा, या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इस पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है तो फ्लक्स कम आएगा, या एंगल भी चेंज होगा। जैसे ये एरिया जो है, फिलहाल ये एरिया आपको परपेंडिकुलर दिया गया है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन अगर ये एरिया परपेंडिकुलर ना होता, ठीक है, पैरेलल होता तो फ्लक्स जीरो भी होता है। तो फिजिकल मीनिंग ये है कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। देखो, हमने यहाँ पर तीन एग्जाम्पल से दिखाते हैं क्या इसका मीनिंग है। हमने एरिया ऐसे लिया, एक सर्कुलर रिंग लिया, ठीक है, और रिंग लिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एरिया वेक्टर ऊपर आ गया। ठीक है, ये है इसका एरिया वेक्टर। ना सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी ऊपर की तरफ है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, तो इससे जो है अच्छा खासा फ्लक्स पास हो रहा होगा। बी ऊपर की तरफ है तो बी अगर ऊपर की तरफ है तो आपसे कहा जाए कि इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे बी डॉट ए। ठीक है, बी यूनिफॉर्म है तो ये आ जाएगा बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो डिग्री, दैट इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। तो कॉस जीरो क्यों लिए, क्योंकि बी और ए देखो पैरेलल है। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा वही है सेम जैसे था सा, ठीक है, एरिया वेक्टर को हमने टिल्ट कर दिया। ठीक है, टिल्ट कर देने का मतलब क्या है, देखो बी हमारा ऐसे ही था, एरिया वेक्टर जो था इसको इधर की तरफ ऐसे मोड़ना है, तो मोड़ने पर ये एरिया वेक्टर मान लीजिए ऐसा हो गया, ये एरिया ऐसा हो गया। अब ये इस तरह से टिल्ट हो गया तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी तो ऐसे चला गया ना, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है एरिया के, जैसे ये मुड़ेगा तो एरिया वेक्टर भी मुड़ेगा। अब ये हमारा नया एरिया वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो सेम एरिया वही है बट ऐसे मोड़ देने से क्या होगा कि अब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे क्रॉस करेंगी पहले के मुकाबले अब वो कम होंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर, अब ऐसे तो हमने तीन लाइन दिखाया नहीं तो डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ से इस तरह से हजारों लाइंस पास हो रही थी, तो जब आप इसको झुका देंगे तो उनमें से जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको कुछ लाइंस बाहर से निकलने लगेंगी, जो पहले लाइन मान लीजिए इसके अंदर से जा रही थी वो बाहर हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका फ्लक्स जो है वो कम हो गया। अब इस बार इस केस में फ्लक्स हो जाएगा आपका बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स घट गया। अब मान लीजिए फिर से वही कि हमारा बी तो वैसे ही जैसे था, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, और हमने इस एरिया वेक्टर को और टर्न किया, मतलब इसको और ऐसे मोड़ा, तो और ऐसे अगर मोड़ेंगे तो अब ये एरिया वेक्टर मान लीजिए ऐसे हो गया, तो इसका एरिया ऐसे आ गया, तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री होने का मतलब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का जीरो होगा और इस केस में फ्लक्स नहीं पास होगा। अब कहोगे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि अब इस एरिया वेक्टर से कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है, सारी लाइन्स या तो सरफेस के ऊपर से निकल जाएंगी या तो नीचे से निकल जाएंगी, इसको कोई नहीं परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग दिस लूप इज जीरो।
ये आपके पास तीनों एग्जांपल हैं और यही सेम एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी देते हैं, बस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन दिखाते हैं और सेम वही डेफिनेशन है, सेम वही मीनिंग भी है दोनों में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई अंतर नहीं है, बस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। नोट करो, अब आओ हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का एक दो एग्जांपल करें, ठीक है ना। पहले तो एक दो डायग्राम वेस्ट करते हैं। ये आपका एक रिंग है, ठीक है, और इसका ऐसे रेडियस दिया हुआ है आर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे जोन में इनवर्ड है और यूनिफॉर्म है। अच्छा माइंड इट, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, इस रिंग में कोई करंट वरेंट नहीं है जिसके वजह से ये बी आया है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी गिवन, ये बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से है, ठीक है। तो ये जो रिंग रखा हुआ है, इस रिंग से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है अगर आपसे कहा जाए, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के केस में हम बी डॉट ए लिखते हैं। बी इनवर्ड है और एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, और एरिया के परपेंडिकुलर आप इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हैं। तो यहां हम लोग एरिया वेक्टर भी इनवर्ड ले लेंगे, तो आपका ये सिंपली बी इंटू ए, और एरिया वेक्टर का एरो भी अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो वन है, एरिया चूंकि सर्कल है तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू बी इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप, ठीक है, या थ्रू दिस रिंग। अच्छा, इसी में अगर हमारा ये जो लूप है, जरूरी थोड़े कि हमेशा इसी तरह का मिले, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया हमने इस तरीके से, अब रेक्टेंगुलर लूप ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बाहर की तरफ है ऐसे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ है, ये पूरे इलाके में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। तो अगर इस लूप से पूछा जाए कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास करने के लिए ये रेक्टेंगुलर लूप है, तब इसमें देखो बी बाहर की तरफ है, एरिया आपके प्लेन में ही है, तो एरिया वेक्टर भी हम इस लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर ले सकते हैं, तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ भी बी इंटू एरिया होगा। बस यहाँ एरिया में क्या होगा कि एरिया में आपको दो चीजें चाहिए होंगी कि इसका लेंथ कितना है, मान लो लेंथ एल है और इसका विड्थ जो है वो बी है, ब्रेड्थ। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर हम लिखेंगे बी इंटू रेडियस, परपेंडिकुलर होगा ना, रेडियस नहीं भाई, एरिया वेक्टर, बी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, बोथ आर कमिंग आउट ऑफ द मोबाइल स्क्रीन, ये एक्स और वाई एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू दिया है बी नॉट के कैप, ठीक है, तो बी नॉट मैग्नीट्यूड है और के कैप क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई ऐसे छोटा सा एक रिंग रख दिया, या रिंग की जगह स्क्वायर रख देते हैं ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ एल है, ये आपका एक स्क्वायर लूप है, तार का लूप बना लिया, वायर का स्क्वायर लूप। तो अगर कहा जाए कि इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई डॉट प्रोडक्ट होता है बी डॉट ए, तो बी की जगह क्या लिखोगे, बी नॉट के कैप, एरिया इसका वेक्टर कितना हो गया एल स्क्वायर। अब आती है आगे में क्या लिखे, आई कैप लिखे हैं कि जे कैप लिखे हैं कि के कैप लिखे हैं, क्या लिखे है? तो देखो एरिया आपका कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ये एरिया एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है वो कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है इसे बाहर की तरफ आएगा, इसे बाहर की तरफ आएगा, तो एरिया वेक्टर को आपको लिखना पड़ेगा के कैप, मैग्नीट्यूड है एल स्क्वायर और डायरेक्शन है इसका के कैप, के कैप डॉट के कैप वन होता है, तो वही आ गया बी नॉट इंटू एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस इसमें एक्सिस नहीं बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ एक्सिस दिखा सकते हैं भाई, ये लो एक्सिस दिखा दिया, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो बात तो वही हो गया ना, सेम सवाल है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग एक दो और एग्जांपल देखेंगे सिंपल सिंपल।
अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। सपोज हमारे पास एक जोन में मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आई कैप हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 2 meter square लाइंग इन दिस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले हम जो है वो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस जो होगा ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगा, तो जेड एक्सिस को अगर आपको दिखाना है तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, इस तरह से जेड एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब बी जो है वो 4i + 3j है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी प्लेन में, ये एक्स और वाई एक्सिस है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी प्लेन में है, तो इसे हम चाहें तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस को जब यूनिफॉर्म होता है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं भी दिखा दो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसमें बी दिया है, एरिया दिया है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले वाले में देखो, वन वाले केस में एक्स वाई प्लेन दिया है, तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो मैग्नीट्यूड तो 2 meter square है लिखा हुआ है, लेकिन अब आगे आई कैप जे कैप के कैप क्या लगाएंगे, तो देखो ये रिंग दिया है 2 meter square लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो अगर आपका रिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में होगा, इस प्लेन में, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो तो जेड एक्सिस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के पैरेलल आएगा बोर्ड के बाहर, तो हम इसको लिखेंगे 2k कैप, ठीक है। तो जब हम इसका फ्लक्स लिखने जाएंगे बी डॉट ए करेंगे, तो ये k कैप है और वहां पे देखो i कैप j कैप है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2k कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा, i डॉट k जीरो, j डॉट k जीरो। जीरो ये बता रहा है कि भले ही इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड है आपका इस पूरे जोन में, बट इस लूप से कोई भी मैग्नेटिक लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है, कहां इसको चीरते हुए जा रहा है, परपेंडिकुलरली जब क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो इस पर्टिकुलर रिंग से कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा है, फ्लक्स जीरो है। ये जो बी वाला केस है सेकंड, वाई जेड प्लेन, तो ये देखो ये वाई है और ये जेड है, अगर रिंग वाई जेड प्लेन में इस प्लेन में होगा तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर आपको लिखना होगा 2i कैप, और फ्लक्स जब लिखेंगे सेम बी डॉट ए, तो देखो 4i + 3j + 2 या .2i कैप होगा, तो i और i जो है लिख देते हैं 4i + 3j, और इसका डॉट प्रोडक्ट है 2i कैप के साथ, तो ये आ जाएगा आपको 8 4 × 2, i डॉट i 1 होता है, j डॉट i 0 होगा, तो ये 8 वेबर आएगा, ठीक है। तो इससे फ्लक्स पास हो रहा है 8 वेबर, और c में जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, जेड बोर्ड के बाहर आ रहा है, इस प्लेन में अगर आपका इस तरह से रिंग है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, और एरिया वेक्टर ऊपर आने का मतलब y एक्सिस की तरफ आएगा, तो इस केस में हम लोग एरिया जो लेंगे वो 2j कैप लिखेंगे, 2 और जे कैप यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग वाई एक्सिस। अब इसमें फ्लक्स लिखेंगे तो बी डॉट ए करोगे तो 4i + 3j, और इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है हम लोगों को 2j के साथ, तो ये हो जाएगा 6 वेबर, ठीक है ना, 6 वेबर आ गया। तो देखो इस बार जो डॉट प्रोडक्ट आया वो 3 वाले के साथ आया, पिछले बार वाला 8 वाले के साथ आया, ऐसा क्यों,
इस बी का अगर देखा जाए तो दो कंपोनेंट है, एक आई और एक जे, मतलब एक एक्स एक्सिस वाला एक वाई एक्सिस वाला। अब जब इस एरिया की अगर बात करोगे तो जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसके वजह से तो फ्लक्स जीरो आएगा क्योंकि वो तो सरफेस के पैरेलल है। जो वाई वाला कंपोनेंट है उसके वजह से कम आएगा, आपका एक्स वाली की वजह से नहीं आएगा, ठीक है। और वाई वाला कंपोनेंट क्या था, थ्री जे, वही थ्री इंटू टू आपका सिक्स आया हुआ है, ठीक है। नोट करो इसको, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसमें हम लोगों ने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिया। अभी तक हम लोग जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करता था। तो एक रेक्टेंगुलर लूप है जो साइड इसका एल और ए दिया हुआ है और इसके दो साइड एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो इस टोटल लूप के एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है ये निकालना है अगर बी नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ बी देखो, बी नॉट वन प्लस एक्स बाई एल के कैप, के कैप बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे डॉट करके दिखा दिया है, डॉट का मतलब बोर्ड के बाहर आ रहा है और इस पूरे जोन में है, ये नहीं कि सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि पहले आपको लूप में एक एलिमेंट लेना होगा और वहां पर आपको पहले फ्लक्स निकालना होगा डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस। रीजन ये है कि वन प्लस एक्स बाई ये बता रहा है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आप आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आप सीधे बी इंटू एरिया नहीं कर सकते, तो क्या करें भाई। तो पहले हम इसमें एक पतला सा ऐसे स्ट्रिप कट करेंगे। अब वो स्ट्रिप कैसा कट करेंगे, तो वो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल, तो ऐसा स्ट्रिप कट करेंगे, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, पतला सा पट्टी कट करेंगे। उस स्ट्रिप पे हर जगह बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर हम ऐसा पतला सा स्ट्रिप लेंगे, देखो मान लो इसमें क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हर आगे जाने पर एक्स की वैल्यू बढ़ने पर बी बढ़ रही है, तो इस पूरे स्ट्रिप में हर जगह बी वेरिएबल होगा। लेकिन अगर हम इसमें ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप कट करेंगे ऐसे एक्स दूरी पे डी एक्स थिकनेस का, तो कम से कम इस स्ट्रिप में यहां से एक्स डिस्टेंस पे है तो हर जगह बी आपका सेम होगा, समझे। तो हम इसमें एक ऐसे पतला सा रेक्टेंगल में स्ट्रिप कट करेंगे एक्स दूरी पर जाकर के डी एक्स थिकनेस का। अब बी बाहर की तरफ है, ये जो पतला सा स्ट्रिप है इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा आपका, देखो लंबाई कितना हो गया ए और चौड़ाई हो गया डी एक्स, तो ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो बी ए डी एक्स और आगे कॉस थीटा में कॉस जीरो होगा क्योंकि ये एरिया एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा, बी भी हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो बी इंटू ये एक तरीके से स्मॉल एरिया हो गया। अब ये बी देखो एक्स का फंक्शन है तो इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी नॉट वन प्लस एक्स बाई एल इंटू ए इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब ये डी फाई आया तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे इस केस में, तो टोटल फ्लक्स के लिए ये आपका ओरिजिन है और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एल होगा, भाई ये लेंथ दिया है ना एल, तो हम इसी डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे विथ लिमिट जीरो टू एल। अब ये बड़ा आसान काम हो गया भाई, इसको इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं, बी नॉट कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, वन प्लस एक्स बाय एल, तो वन का हो गया एक्स और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू एल विथ लिमिट जीरो से एल, बाद में इसमें एल यहाँ पुट करो अपर लिमिट, तो आ जाएगा एल प्लस एल बाय टू, एक एल स्क्वायर बाय एल आएगा, एक एल कट गया, तो यह आ जाएगा आपका थ्री बी नॉट ए एल डिवाइडेड बाय टू, दिस इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप। तो जब भी आपको बी वेरिएबल मिल जाए, ये बहुत कॉमन केस होता है, आगे चल के मिलेगा, तो बी वेरिएबल हो जाए तो जो भी आपका रेक्टेंगुलर लूप हो या रिंग हो या किसी भी तरीके का सरफेस हो, उसमें पहले आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, उस एलिमेंट का फ्लक्स निकालो और उस फ्लक्स को फिर प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर दो, आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। नोट करो, अब आइए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो अगेन वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स का है। एक स्क्वायर लूप है ये ग्रीन कलर का जिसका साइड एल है, इसके बगल में एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है
and we have to find magnetic flux through the square loop lying close to a long current carrying a straight wire. ठीक है ना, निकालना क्या है फ्लक्स. फ्लक्स के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो बी और एक एरिया. एरिया तो यहाँ दिख रहा है, इसका दिख रहा है ना भाई, एल स्क्वायर. फिर सवाल है कि बी कहाँ से आया. बी इस वायर की वजह से आया है, इस करंट की वजह से. अब करंट की वजह से जो बी आएगा, पहले तो उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड देखना होगा कि क्या हर जगह इस स्क्वायर लूप पर बी यूनिफॉर्म है. अगर यूनिफॉर्म होगा तब तो हम सीधे बी डॉट ए कर देंगे और हमारा फ्लक्स आ जाता है. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या करेंगे, तो बी इंटू डी एस करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो यही हमारा ओवरऑल कुल मिलाकर के बेसिक तरीका है फ्लक्स निकालने का. अब पहले यहाँ बी देखो, यहाँ पर जो बी आता है, ऑफकोर्स करंट ऊपर जा रहा है, तो इधर कहीं भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं एक जगह भी दिखा दे तो इनवर्ड होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारा यहाँ पर ऐसे इनवर्ड होगा तो क्या ये बी हर जगह सेम होगा, तो सवाल है नहीं. क्यों? क्योंकि आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होता है, जहां आर यहां से दूरी है. अब इस स्क्वायर लूप का हर एक पार्ट अलग अलग डिस्टेंस पे है इस करंट से, तो इस स्क्वायर लूप के एरिया में हर जगह बी वेरिएबल है. अब अगर बी वेरिएबल है तो फिर से हम लोगों को क्या करना होगा, पहले एक एलिमेंट लेंगे और उसमें कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो निकालेंगे. फिर से बात वही आती है, अगर एलिमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर जगह बी चेंज करेगा. वायर से जैसे जैसे दूर जा रहे हो आर बढ़ रहा है, आर बढ़ेगा तो बी घट रहा है. तो हम अगेन इसमें जो आपका एरिया वेक्टर लेंगे वो इस तरह से छोटा सा एरिया लेंगे एलिमेंट. तो इस एरिया एलिमेंट को हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी एक्स है और वहां थिकनेस उसका डी एक्स है. एक्स दूरी पर डी एक्स थिकनेस ले लिया तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया. लेंथ तो एल है ही, तो सबसे पहले इस छोटे से एरिया वेक्टर का फ्लक्स लिखेंगे. तो डी फाई जो होता है वो बी इंटू डी ए लिखेंगे. डी एस लिखो या डी ए लिखो एक ही बात है, एरिया वेक्टर. बी होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स. देखो यहां से वायर से एक्स डिस्टेंस पे है तो हर जगह बी यही होगा. इनटू एरिया वेक्टर लेंगे तो ये एक पतला सा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एल है और चौड़ाई डीएक्स है, तो ये एल इंटू डीएक्स आ गया. ठीक है, बी हमारा इनवर्ड है, इसका एरिया वेक्टर भी जो है वो हमने इनवर्ड ले लिया, क्योंकि एरिया हमारे सामने इस प्लेन में है तो एरिया वेक्टर इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हैं. तो हमने इनवर्ड ही ले लिया ताकि हमारा फ्लक्स पॉजिटिव रहे. डी फाई लिखने के बाद अब फ्लक्स कैसे लिखेंगे, तो इसी डी फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कहां से कहां, तो देखिए अब इसमें ध्यान देना होगा, डी फाई में एक्स शुरू होगा जीरो से नहीं, यहां से शुरू होगा और यहां खत्म होना चाहिए. यहां से शुरू होने का मतलब है वायर से डिस्टेंस है ए, ए से शुरू होगा और खत्म होगा ए प्लस एल पर. ठीक है, तो म्यू नॉट आई एल ये सब कॉन्स्टेंट है, टू पाई ये भी कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन में यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स और लिमिट आपका था ए से ए प्लस एल. तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एक्स बाय एक्स जो होता है वो एल एन एक्स होता है, तो ये टू पाई हो गया और एल एन एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए आएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दी लूप. नोट करो,